कसौली के विधायक प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने सोलन में प्रेस वार्ता कर कहा था कि कांग्रेस जिला परिषद और बीडीसी के चुनावों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी और ये भी कहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए दावेदारी भी नहीं कर पाई। इस बयान पर कांग्रेस नेता पूरी तरह से तिलमिला गए, जिसका जवाब परवाणु नगर परिषद के कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता रमेश चौहान ने दिया और मंत्री राजीव सहजल पर पलटवार करते हुए कहा कि आज मंत्री कांग्रेस पर निशाना साधने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर जरूर देख लें, क्योंकि भाजपा निर्दलियों की बैसाखियों पर चलकर जिला परिषद और बीडीसी बनाने में कामयाब हुई है। मंत्री राजीव सहजल को अपने विधानसभा क्षेत्र से ही बहुमत नहीं मिला है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता रमेश चौहान ने कहा कि मंत्री राजीव सहजल अपनी पंचायत से ही अपने प्रधान को जिता नहीं पाए हैं। वहां से कांग्रेस प्रत्याशी भारी बहुमतों से जीत कर प्रधान बना है। वहीं उन्होंने मंत्री से सवाल पूछते हुए कहा कि वे बताएं कि उनके विधानसभा क्षेत्र परवाणु से भाजपा जिला परिषद का प्रत्याशी क्यों नहीं दे पाए। ये बदलाव इशारा करता है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में कसौली विधानसभा से विधायक में भी बदलाव आएगा और जिस तरह से कांग्रेस ने मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में नगर परिषद बनाई है, उसी तरह वे कांग्रेस संपूर्ण कसौली में जीत हासिल करेगी। आप ये बताओ कि आप जहां पे रात दिन बैठे रहे, आपकी एक चेयरपर्सन रात दिन बैठी रही उस नगर परिषद परवानों में, आपके माध्यम से प्रेस के माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि इसका जवाब आप उनसे जरूर पूछे जो मैं पूछ रहा हूं। आप उनसे पूछे कि आपकी हिम्मत क्यों नहीं हुई परवानों में अपना प्रत्याशी उतारने के लिए। विधायक महोदय, आप तो अपनी पंचायत में जहां पे आप रहने वाले वहां से अपना प्रधान नहीं जिता सके, तो और आप क्या जिता सकते हो। वहां से भी प्रधान मोहनलाल जो हमारी पार्टी से जीत के आया और वो थम्पिंग मेजोरिटी से जीत के आया और वो छोटी मोटी वोटों से नहीं जीत के आया। इसके अलावा जिस वार्ड के आपके रहने वाले हैं, उस वार्ड के जिला परिषद का मेंबर भी हमारा जीत के, आपके पास क्या है। मैं उनको एक सलाह देना चाहता हूं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि तीन हट सबसे ज्यादा बड़ी होती है, राज हट, बाल हट, स्त्री हट। जो तीसरी हट है उससे निकल के बाहर आ जाएं, नहीं तो उनका सुपड़ा साफ होने वाला है।